बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, ये वीडियो फैजाने दरूदो सलाम का 14वां भाग है। दुरूदे पाक पढ़ने वाले का दरिंदे भी एहतराम करते हैं। हजरते आरिफ बिन उबाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरते अबुल हसन शाजिली रदियल्लाहु ताला अन्हों ने फरमाया है कि मैं सफर में था, एक रात ऐसी जगह पहुंचा जहां खौफनाक दरिंदे बक्सरत थे। दरिंदे मेरे दर पर आजार थे। मैं एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और कहा, खुदा की कसम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह जल्ला शानहु उस पर 10 बार दुरूद यानी रहमत भेजता है। जब अल्लाह जल्ला शानहु मुझ पर रहमत भेजेगा तो मैं रात अल्लाह जल्ला शानहु की रहमत में गुजारूंगा। फरमाया कि मैंने ऐसा ही किया तो मैं रात को किसी से न डरा। 10 गुलाम आजाद करने का सवाब। हजरते मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बरा बिन आजिब के गुलाम रदियल्लाहु ताला अन्हों से रिवायत करते हैं, और वो बरा रदियल्लाहु ताला अन्हों से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ता है उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं और इसकी बदौलत उसके 10 गुनाह मुआफ होते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 नेकियां उसको 10 गुलाम आजाद करने के बराबर मिलती हैं। दुरूद ख्वा पर मलाइका का दुरूद भेजना। हजरते अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया रदियल्लाहो ताला अन्हो अपने हवाले से बयान करते हैं कि मैंने मदनी सरकार सल्लल्लाहो ताला अलैहि वसल्लम को खुतबा पढ़ने की हालत में ये फरमाते सुना है कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ता है और जब तक ये पढ़ता रहता है, फरिश्ते इस पर दुरूद यानी दुआएं रहमत भेजते रहते हैं। ये जानने के बाद दुरूद पढ़ने वाला चाहे इसमें कमी करे या ज्यादती। मुसंदे इमाम अजम। मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं। हजरते आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा का बंदा जब मुझ पर दुरूद भेजता है तो एक फरिश्ता उसको अल्लाह ताला अजवजल्ला के दरबार में पेश करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तोहफा मेरे बंदे खास सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्रे अनवर पर ले जाओ, ताकि वो पढ़ने वाले के लिए दुआएं मगफिरत करें और उसकी आंखें ठंडी हो। मुसंदुल फिरदौस। आशिके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मरजो खलाइक बन गई। शहरे बलख में एक सौदागर रहता था, उसके 2 बेटे थे। सौदागर का इंतकाल हो गया। उसने तरके में मालो जर के अलावा हुजूर सरापाए नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 मुए मुबारक भी छोड़े। दोनों बेटों में तरका तकसीम हुआ, दुनियावी माल आधा आधा बांट लिया, मगर मुए मुबारक की तकसीम में ये मसला खड़ा हो गया कि इनको कैसे तकसीम करें। चुनांचे बड़े लड़के ने ये तजवीज पेश की कि दोनों एक एक बाल रख लें और बकिया एक को कत करके आधा आध बांट लिया जाए। छोटा लड़का जो कि निहायत ही आशिके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम था, ये तजवीज सुनकर कांप गया और उसने कहा, मैं हरगिज हरगिज ऐसी बेअदबी की जुर्रत नहीं कर सकता। मेरा दिल सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक के 2 हिस्से करने की इजाजत नहीं देता। ये सुनकर बड़े भाई ने बिगड़ कर कहा, अगर तुम्हें बालों की अजमत का इतना ही एहसास है तो यूं कर कि तीनों बाल तू रख लें और सारा माल व दौलत मुझे दे दे। छोटे भाई ने इस फैसले को कबूल करते हुए 3 मुकद्दस बाल लेकर सारा माल बखुशी बड़े भाई हवाले कर दिया। अब छोटे भाई ने अपना ये मामूल बना लिया कि 3 मुबारक बालों को सामने रखकर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूदे पाक के फूल पेश किया करता। इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उसके मुख्तसर से कारोबार में उसे तरक्की अता फरमाई और वो मालदार हो गया। दूसरी तरफ बड़े भाई को दुनियावी माल में खसारे पर खसारा आने लगा, हत्ता कि वो कंगाल हो गया। दरी असना छोटे भाई का इंतकाल हो गया। किसी नेक आदमी ने उस छोटे भाई को ख्वाब में इस हाल में देखा कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे अपने पहलू में बिठा रखा है।
और सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जाओ लोगों से कह दो कि अगर इन्हें कोई हाजत दरपेश हो तो मेरे इस आशिक की कब्र की जियारत करें, अल्लाह अज्जवजल्ला उनकी जरूरतें पूरी कर देगा। उस नेक आदमी ने अपना ख्वाब लोगों पर जाहिर किया और सरकारे मदीना का पैगाम सुनाया। फिर क्या था, लोग निहायत अदबो तकरीम के साथ जोक दर जोक उस आशिके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मजारे पुर अनवार की जियारत के लिए आने लगे। सहिबे मजार रहमतुल्लाही ताला अलैह की बरकतों से लोगों के मुआमलात हल होने लगे। लोग उस मजार का काफी अदब करते थे, यहाँ तक कि अगर कोई सवार मजार के पास से गुजरता तो अदबन सवारी से नीचे उतर आता। अलकौलुल बदीय, जो ईश के नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं। ढेरों सवाब दलाइलुल खैरात शरीफ में है कि ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा मेरे ऊपर दुरूद भेजता है, वो दुरूद शरीफ फौरन उसके मुहर से निकलकर दुनिया के तमाम मैदानों और दरियाओं, मशरिक व मगरिब की तरफ निकल जाता है, और दुनिया का कोई मैदान और दरिया ऐसा नहीं रहता है जिस पर से ये दुरूद पाक नहीं गुजरता। और कहता जाता है कि मैं फुला बिन फुला का दुरूद हूँ कि जिसने तमाम कायनात से बेहतर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भेजा है। बस कोई चीज बाकी नहीं रहती जो उस पढ़ने वाले पर दुरूद न भेजे, और उस दुरूद पाक से एक परिंदा पैदा किया जाता है जिसके 70,000 बाजू होते हैं, हर बाजू में 70,000 पर, हर पर में 70,000 सर, हर सर में 70,000 चेहरे, और हर चेहरे में 70,000 मुंह में 70,000 जबाने, हर जबान से वो 70,000 किस्म की बोलियों में अल्लाह ताला की तस्बीह करता है, और अल्लाह ताला उन तमाम की तमाम तस्बीहात का सवाब उस दुरूद पढ़ने वाले के लिए लिखता है। दलाइलुल खैरा मदीने वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, झूम जाओ, अल्लाह जल्ला शानहु प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में किस कदर रहमत की बारिश बरसा रहा है। यहाँ पर एक सवाल जेहन में आता है कि कहीं हदीस में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 ने किया, कहीं 70, तो कहीं हदीसे पाक में ढेरों तस्बीहात का बयान फरमाया है, इन अहादीस की तत्वीक कैसे की जाए। मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीने शरीफैन में कहीं तारुज और टकराव तो है नहीं। इसका जवाब ये है कि जितना इखलास ज्यादा होता है उतना ही सवाब ज्यादा मिलता है। अजीमुल मरतवत मुहद्दिसी ने साबेकीन रहीमुहुल्लाह दुरूद शरीफ के फजाइल वाली अहादीस की तकबीक इस तरह फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के सवाब में इस कदर फर्क व तफावुत जो इरशाद हुआ है, इसमें खुद दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के हालातो कवायफ का इजहार है। यानी जो मुसलमान सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शानो अजमत को पेशे नजर रखे बगैर यूं ही दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, उसके लिए 10 ने किया, और जो मुसलमान हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ला शानहु का हबीब और महबूब होने की हैसियत से ताजीमो तकरीम की नियत से दुरूद पाक भेजता है, उस पर 70 ने किया, और जो खुश नसीब प्यारे मुस्तफा के इश्क में डूबकर और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगह में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीमुशान मकाम को पेशे नजर रखते हुए ताजीम के साथ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम से लज्जत पाते हुए दुरूद पाक का तोहफा पेश करता है, उसको इस कदर सवाब मिलता है जिसका शुमार करना बेहद मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, वीडियो कैसी है कमेंट में बताएं। आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नियत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह अज्जवजल्ला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी देता रहेगा इंशाअल्लाह अज्जवजल्ला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज़।